हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तैयारी ठीक चल रही है? जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनकी प्रॉब्लम जरूर प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही काम होने वाला है। ठीक है, तो हमने जैसे लास्ट क्लास में टॉर्क वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक, एंगुलर मोमेंटम इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एल वैक्टर से डिनोट करते हैं। जैसे एल वैक्टर इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर। ठीक, सो इसमें दिस इज आर पी साइन थीटा, आर पी एस आप याद रख सकते हो। सो आर पी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक, एन कैप आर वैक्टर एंड पी वैक्टर दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वैक्टर होगा। सो एल वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वैक्टर एंड एल वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वैक्टर। ठीक है, अब इसमें जैसे एल वैक्टर के मॉड की बात करते हैं हम, सो एल वैक्टर का मॉड आ जाएगा आर पी साइन थीटा। ठीक, अब आप देखो जैसे इधर की तरफ ये आर वेक्टर दिया हुआ है, ये कहीं पी वेक्टर इधर की तरफ है। अब मुझे देखना है आर इंटू पी साइन थीटा, तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम देखना है। तो यहाँ से जैसे ये एंगल थीटा, इस पी का जो इधर कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा की इक्वल होगा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो पी साइन थीटा की इक्वल होगा। तो यहाँ एक मान लो कोई ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है, तो ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल के जैसे एक मोमेंटम इधर आ गया पी कॉस थीटा, एक इधर आ गया। तो इस ऑब्जर्वर को यदि इसकी वजह से कोई भी रोटेशन ऑब्जर्व नहीं करेगा वो, क्योंकि इसके यहाँ से देख रहा है और पार्टिकल के पास केवल ये वाला कंपोनेंट होता, तो ऐसा लगता है कि ये ओनली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, रोटेशन का कोई यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है, ओमेगा नहीं है। सो इस केस में यानी इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। सो एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ पी साइन थीटा होगा ओनली। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ आर इंटू पी परपेंडिकुलर। ये पी साइन थीटा क्या है? पी परपेंडिकुलर। सो एल वेक्टर का मॉड आर इंटू पी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से भी मैं कह सकता हूँ कि जैसे अभी तो मैंने फोर्स के यहाँ इसके लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट किए, यदि मैं लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट नहीं करता हूँ, मैं कुछ ऐसे कहता हूँ ये आर वेक्टर है एंड पी वेक्टर कहीं इधर की तरफ, और इस पी वेक्टर को मैं एक्सटेंड करता हूँ इधर की तरफ, तो यहाँ से जैसे पॉइंट ओ से यदि नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल कहीं इधर की तरफ आएगा। दिस इज आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, जिसको कि मैं आर परपेंडिकुलर कह सकता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला था आर पी साइन थीटा, इसको हम आर परपेंडिकुलर इंटू पी के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। आर परपेंडिकुलर क्या हो गया? आर साइन थीटा इंटू पी। तो ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कब यूज करेंगे? जब आर वेक्टर पी वेक्टर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम एंगुलर मोमेंटम इस वेक्टर फॉर्म से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैं आपसे प्रॉब्लम पूछता हूँ, तो प्रॉब्लम ये बताओ, जैसे एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इसकी स्पीड वी के इक्वल है। अब एक एक्सिस है जो कि इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, मान लो पॉइंट ओ है। ठीक है, एक्सिस कहाँ पर है? पॉइंट ओ से पास हो रहा है और इस तरीके से है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन हमको स्ट्रेट लाइन का पता है, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इतना आ जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वो कितना आ जाएगा बोलो? सीधा सीधा एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ। जैसे प्रोजेक्टाइल का केस है, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से एट एंगल थीटा। ठीक, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जेड एक्सिस के अबाउट आपको बताना है। जेड एक्सिस मीन्स जो ओ पॉइंट से इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस आ गया, तो जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन। बताओ जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन क्या होगा? सो जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन जो इसकी वेलोसिटी है वो इधर की तरफ, और यहाँ पर जो आर परपेंडिकुलर है वो जीरो होगा। सो आर परपेंडिकुलर जीरो है जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, सो एंगुलर मोमेंटम में कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा पार्ट में कर रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आप देखो यहाँ पर आते आते वेलोसिटी क्या हो जाती है? यू कॉस थीटा। सो यहाँ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एम यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा एच के इक्वल आ गया। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम निकलना है अबाउट जेड एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस के लिए फिर से वही, जैसे यहाँ पर जेड एक्सिस आ गया, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो नॉर्मल आएगा वो एच के इक्वल आएगा। तो एल अबाउट जेड एक्सिस कहाँ पर? जब पार्टिकल है ए पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर है। सो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू एम यू कॉस थीटा इन टू एच। ठीक, एच हमको ऑलरेडी पता है,
सो इट इज एम यू कॉस थीटा, एच की वैल्यू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद थर्ड जो पार्ट है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगेन एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस, कब? व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट बी। तो आप ये देखो, बी पॉइंट पर आते आते यहाँ पर जैसे एंगल थीटा होता है, स्पीड सेम रहती है, तो हम क्या करेंगे, इसके जैसे कंपोनेंट करते हैं, तो इधर की तरफ कंपोनेंट किया जाएगा, इधर की तरफ जैसे इसके कंपोनेंट आ गए, यहाँ आया यू साइन थीटा, इधर आएगा यू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने कंपोनेंट कर लिए। अब इसके इस जेड एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो यू साइन थीटा की वजह से होगा, यू कॉस थीटा की वजह से कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। तो इसमें सीधा सीधा हम करेंगे, एल अबाउट जेड एक्सिस कर्व व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट बी, एंड दिस इज इक्वल टू एम यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर, ये रेंज के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई, आर आपको पता है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, सो एम यू साइन थीटा इंटू आर, आर इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तीन पार्ट हो गए। इसी में जो बहुत ही आपको केयरफुल रहना है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पर सब कुछ डिपेंड करता है। अब मैं इसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन मान लो डिफरेंट ले लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू जेड एक्सिस बट पासिंग थ्रू पॉइंट ए। इसके पैरेलल है लेकिन कहाँ से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमारा एक्सिस हमने चेंज कर दिया, तो एंगुलर मोमेंटम भी हमको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है और इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो जीरो हो जाएगा, बाकी के जो ये फर्स्ट केस था और जो सेकंड केस था उसमें जीरो नहीं होगा। तो एक्सिस को बड़े ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। अच्छा, इसी में हो सकता है एक्सिस कहीं यहाँ से पास हो रहा हो, कहीं यहाँ से पास हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इसी एंगुलर मोमेंटम में ही बात कर रहा हूँ, कि जैसे आप ये बताओ कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मान लो एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूम रहा है, इसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है। जैसे ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वी स्पीड से, एंड सर्कल की रेडियस आर के इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस दिस इज 3r, एंड ये जो डिस्टेंस है वो 2r की इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक जो रखा है ये 2r है। तो जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको। ठीक है, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो आप ये देखो, तो इसमें ऑप्शन इस तरीके से आते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, इट इज़ वेरिएबल, और इट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो किस तरीके से आप सोचोगे, आईआईटी में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ से उस इस एक्सिस के अबाउट आपका जो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, रेडियस इसकी आर की इक्वल है, इस एक्सिस यहाँ से जैसे एम वी इंटू आर, किसी भी पॉइंट पर देखो एम वी इंटू आर की इक्वल एंगुलर मोमेंटम होगा हर एक पॉइंट पर, जब पार्टिकल कहीं भी है एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, एम वी इंटू आर की इक्वल होगा। ठीक है, अब लेकिन मैं बात करूं, जैसे मैंने L अबाउट O की बात की, यानी कि एक्सिस जो O पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये तो कांस्टेंट होगा, लेकिन मैं जेड एक्सिस से एक एक्सिस पास कराता हूं यहां से, तो उस केस में आप एंगुलर मोमेंटम देखो, जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, जैसे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, यहां पर हाईएस्ट पॉइंट, और ये D पॉइंट। ठीक है, जब पार्टिकल इधर की तरफ है, वेलोसिटी V के इक्वल है, अब आप देखो ए पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या कितना आएगा, एम वी इंटू, ये कितना है, कितना दिया हुआ है, दिस इज 2r, टोटल 3r था यहाँ से यहाँ तक, ये 2r आ गया। तो जब पार्टिकल कहीं यहाँ होगा तब जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आएगा एम वी इंटू 2r। क्लियर, यानी जब पार्टिकल जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, पार्टिकल कहाँ पर, ए पॉइंट पर, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा एम इंटू वी इंटू 2r। अब ये बताओ एम वी इंटू 2r तो हो गया, अभी क्लॉक वाइज होगा एंटी क्लॉक वाइज, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये हो गया क्लॉक वाइज। ठीक, और यहाँ हम लिख सकते हैं इसको माइनस के कैप, क्लॉक वाइज मीन्स इट इज डायरेक्टेड इंटू द प्लेन। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था जैसे हमने शुरुआत की थी, वहाँ भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, उसी तरीके से जो टॉर्क होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इफ फोर्स जीरो, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, उस केस में पी वेक्टर कांस्टेंट आता था, वो हमारा था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल था। अब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एल वेक्टर कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टॉर्क को जीरो करना पड़ेगा। इफ टॉर्क वेक्टर इज जीरो वेक्टर, देन एल वेक्टर हमारा कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। इसको अप्लाई करने से पहले आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा, एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के अबाउट कंजर्व कराओगे। ठीक, ऐसा एक्सिस आपको आइडेंटिफाई करना है जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो। ऐसा एक्सिस आइडेंटिफाई करो जिसके अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, ओनली देन एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को यदि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की मैं बात करता हूँ, तो आप ये देखो जैसे एक पार्टिकल यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, हर एक एक्सिस के अबाउट कंजर्व होगा या किसी एक एक्सिस के अबाउट कंजर्व होगा। तो जैसे यहाँ पर एक एक्सिस में यहाँ से पास कराता हूँ, छोटे छोटे मास लेते हैं, तो dm इंटू dm r ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ आएगा, यहाँ भी dm r ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ आएगा, सारे के सारे फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नेट टॉर्क जीरो होगा। अच्छा, इसमें यदि नेट टॉर्क में इसके अबाउट देख रहा हूँ जीरो है, नेट टॉर्क यदि जेड एक्सिस के अबाउट को देखता हूँ, तो उसमें भी क्या है कि जैसे जो डिफरेंट फोर्सेज डिफरेंट पार्ट्स पर जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे सबका जो नेट जो टॉर्क आएगा वो जीरो हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं एक सिंगल पार्टिकल की यदि बात करूँ, उसको अब अच्छी तरह से देखो। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल था जो कि सर्कल में घूम रहा था, ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसकी स्पीड v है, ठीक है, ये रेडियस r के इक्वल है, तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किधर होगा, mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर अपॉन r इधर की तरफ लग रहा होगा। यदि ये फोर्स, ये जो फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r, सेंटर से पास हो रहा है, इस एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक, पार्टिकल यहाँ आ गया, तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा होगा, वो कितना आ गया, mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल आ गया। तो इसमें जो एक्सिस यहाँ से पास होगा ना, इस वाले पॉइंट से, उस एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा हर एक इंस्टेंट पर जीरो है। दैट्स वाई इस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। लेकिन इसी मैं कहता हूँ कि एक्सिस मैं यहाँ से लेता हूँ, तो इस एक्सिस के अबाउट आप ये देखो जो फोर्स की वजह से टॉर्क होगा, जैसे पार्टिकल यहाँ पर एम बी स्क्वायर अपॉन आर इधर आ रहा है, मान लो ये यहाँ से पास हो रहा है, टॉर्क जीरो हो गया, यहाँ पर एम बी स्क्वायर अपॉन आर इधर आ गया, टॉर्क जीरो नहीं हुआ। इसमें जब पार्टिकल यहाँ पर है तब एम बी स्क्वायर अपॉन आर इधर होगा, तब भी टॉर्क जीरो नहीं होगा। टॉर्क की जो वैल्यू है वो इस एक्सिस के अबाउट जीरो नहीं है, वो वेरिएबल है, उसकी वजह से ही एंगुलर मोमेंटम भी हमारा चेंज होता रहेगा अबाउट दिस एक्सिस, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट था। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी के कुछ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चंस और हमको ट्राई कर रहे हैं अभी, एक मिनट कट जी। जैसे एक रॉड को फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू जीरो है, कहीं भी इसको हिंज नहीं किया हुआ, इस रॉड को प्लेस किया, यहाँ से एक पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करता है, ठीक, एंड कोलिजन हो सकता है इनइलास्टिक हो, कोलिजन हो सकता है इनइलास्टिक ना हो या परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक, इट मे बी वन, इट मे बी जीरो, और इट मे नॉट बी जीरो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसके केस में बात कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, रॉड का सेंटर सी, एंड ये पार्टिकल एंड रॉड को मिला के जो सेंटर ऑफ मास होगा, पार्टिकल एंड रॉड जो सिस्टम बना उसका सेंटर ऑफ मास मान लिया मैंने यहाँ पर सी डैश, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू किसको, यहाँ से किसी भी पॉइंट से हमको किसी भी पॉइंट से एक्सिस लेना है, एंड दैट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी वर्टिकल है एक्सिस, कहीं इस तरीके से है, यहाँ पर एक्सिस हो सकता है, यहाँ पर एक्सिस हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ऑप्शन इसमें होंगे कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ए ओनली, ठीक है, और पासिंग थ्रू पॉइंट सी डैश ओनली, और सी ओनली, और बी ओनली, और कोई भी एक्सिस ले लो कहीं भी, इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी, कि हर एक एक्सिस का आउट कंजर्व होगा। तो इस तरीके के चार ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, तो आप सोचो क्या आंसर आएगा। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो इसमें क्या है कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक करता है, तो पार्टिकल की वजह से रॉड पर फोर्स लगा, रॉड की वजह से पार्टिकल पर फोर्स लगा, रॉड और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है दैट इज इंटरनल फोर्स, ठीक है, और उसकी वजह से टॉर्क होगा वो भी इंटरनल टॉर्क होगा। अब इसमें मैं एंगुलर मोमेंटम, इस सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम की बात करूँगा। देखो इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हर एक एक्सिस के अबाउट कंजर्व होगा। हर एक एक्सिस के अबाउट कंजर्व क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट ईच एंड एवरी एक्सिस बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो हर एक एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम में यदि मैं कहता हूँ, यदि यहाँ पर इसको कहीं हिंज कर दिया होता, जैसे मान लो सी पॉइंट पर हिंज किया होता, तो हिंज की वजह से एक फोर्स लगता उसके अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम केवल हिंज के अबाउट कंजर्व होता, क्योंकि हिंज की वजह से एक फोर्स लगता। हम ये चाहेंगे कि टॉर्क जीरो हो, तो हम क्या करेंगे, हिंज के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसलिए हम हिंज के अबाउट उसके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे।
तो यही मैं हिंज वाले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम है, इधर कैपिटल वी से स्ट्राइक करता है एट द एंड, लोअर मोस्ट एंड, एंड इसका जो रॉड है उसका अपना मास कैपिटल एम है, लेंथ उसकी कैपिटल एल के इक्वल है। अच्छा, इसमें जो कोलिजन है ये मान के चल रहा हूँ कि इक्वल टू जीरो है, मीन्स ये पार्टिकल इसके साथ स्टिक हो जाता है। अब मुझे निकालना है कि इसकी जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका ओमेगा क्या होगा एंड इसके एनर्जी वगैरह में जो चेंज आना है वो क्या होगा। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन मुझे स्पीड निकालनी है, इसका ओमेगा निकालना है। तो इसमें पहले तो देखो, जब भी पार्टिकल यहाँ टकराएगा तो उसके इसमें क्या होता है कि हिंज की वजह से कुछ फोर्स लगेगा, एंड यहाँ पर जैसे पार्टिकल यहाँ से स्टिक हो गया, मैं जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद बात कर रहा हूँ, ये स्टिक हो जाता है। ठीक है, जब स्टिक हो गया उसके इसमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मैं क्या करूँगा, हिंज के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना पड़ेगा, क्योंकि यदि हिंज के अबाउट हम कंजर्व नहीं कराएंगे तो हिंज पर जो फोर्स लग रहा है इधर या उधर जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम, उसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमको एक्सटर्नल टॉर्क जीरो करना है तभी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो ऐसा एक्सेस देखना होगा जिसके अबाउट टॉर्क जीरो हो। तो यहाँ पर ऐसा एक्सेस कहाँ से पास होगा, हिंज से पास होगा। सो टॉर्क अबाउट हिंज जीरो हो गया, दैट्स वाई एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज ये हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। सो इसमें हम लिखेंगे, जैसे पहले कोलिजन से पहले एम वी इंटू एल एंगुलर मोमेंटम था, एंड टकराने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम है आई ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा की इक्वल हो गया। आई ऑफ द सिस्टम का मतलब ये रॉड एंड पार्टिकल दोनों को मिला के जो एंगुलर मोमेंटम, दोनों को मिला के जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होगा वो हमको लेना है। तो आई ऑफ द सिस्टम में जैसे रॉड का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन थ्री, क्योंकि हिंज के अबाउट हमको देखना है, एंड यहाँ पर जो पार्टिकल इसके साथ स्टिक हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम होगा स्मॉल एम इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको एनर्जी लॉस वगैरह हमको देखना है, एनर्जी की एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है वो देखेंगे। तो इनिशियली एनर्जी देख लो, इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल थी ओनली। यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मान लो मैं डेल्टा के ई की बात करूँ, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, फाइनली हम लिखेंगे हाफ आई ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, आई ऑफ द सिस्टम हमको पता है, ओमेगा हम यहाँ से निकाल लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अभी मैंने माना है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये जो कंडीशन मैंने लिखी है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल दोनों के लिए सेम ही होगी, लेकिन आगे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरीके से रखा हुआ है, पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक करता है। ठीक, अब इसमें जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो आप सोचो, क्योंकि हिंज है, हिंज की वजह से फोर्स लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर केस आता है जिसको कि आपको याद रखना है कि जैसे एक रॉड को मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कहीं यहाँ पर हिंज कर दिया, ठीक है, अब यहाँ से एक पार्टिकल इधर की तरफ स्ट्राइक करता है एंड ये डिस्टेंस यदि 2L/3 है, तो जब यहाँ पर ये डिस्टेंस 2L/3 होता है तो उसके इसमें क्या होता है कि अबाउट द हिंज और हिंज की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हिंज की वजह से फोर्स नहीं लगेगा। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल ये सेम रहते हैं। सो लीनियर मोमेंटम में कंजर्व होगा यहाँ पर, और एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होने हिंज के अबाउट। अब यहाँ पर जो ये इस वाले केस में एंगुलर मोमेंटम की जो बात है, हिंज के अबाउट भी कंजर्व होगा एंड और किसी के अबाउट, क्योंकि हिंज की वजह से यहाँ पर फोर्स नहीं लगता है इस पर्टिकुलर केस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक्स ये जो वैल्यू है 2L/3 होता है तो हिंज की वजह से फोर्स नहीं लग रहा है, जब हिंज की वजह से फोर्स नहीं लग रहा होगा उसके इसमें टॉर्क हर एक एक्सिस के अबाउट जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हिंज के अबाउट या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएं, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक्सिस के अबाउट आप कंजर्व करा सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे एक क्यूब है जिसके की साइड ए के इक्वल है, इस क्यूब को इसकी साइड ए के इक्वल है, ये कॉन्स्टेंट वी से मूव कर रहा था, यहाँ पर एक रेज एक ऑब्स्टिकल है जिससे टकराता है एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन ये रोटेट करना शुरू कर देता है, टॉपल कर जाता है। अब इसमें आपको देखना है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन जो ओमेगा होगा इस क्यूब का वो कितना होगा। तो उसके लिए इसके अबाउट जो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था एम वी इंटू ए बाई टू के इक्वल था। ठीक है, तो एम इंटू ए बाई टू दिस इज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन आई इंटू एच, आई एच इंटू ओमेगा, एच क्या है यहाँ पर
ये जो ऑब्स्टेकल है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना पड़ेगा। अब इस क्यूब का यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम ए स्क्वायर अपॉन सिक्स होता है, ठीक है। तो इसके अबाउट एम ए स्क्वायर अपॉन सिक्स आ गया। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट देखना है, तो इसके अबाउट क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ए अपॉन रूट टू। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई अबाउट दिस एच, ये कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एम ए बाई रूट टू का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आ जाता है टू एम ए स्क्वायर अपॉन थ्री के इक्वल आ जाता है। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से हमको ओमेगा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो टू एम ए स्क्वायर अपॉन थ्री इन टू ओमेगा, दिस इज एम वी इन टू ए बाई टू, ठीक। तो कितना आ रहा है, फोर ओमेगा निकलना है, दिस इज थ्री वी अपॉन फोर ए, एक कैंसिल हो गया। सो थ्री वी अपॉन फोर ए, दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। आप ये देखो, जैसे यहाँ पर एक डिस्क को पहले से अभी कोई ओमेगा नहीं है डिस्क के पास, एंड इस डिस्क के सर्कमफेरेंस पर एंड पॉइंट पर एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखना है आपको कि यदि पर्सन आगे की तरफ बढ़ता है तब जो डिस्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं जैसे इसके अबाउट देखूं तो नेट जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि ये पर्सन इधर की तरफ राइट की तरफ वी वेलोसिटी से मूव करता है, ये वी से मूव करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको डिस्क को ओमेगा मिलेगा, ठीक। टोटल सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इसमें जैसे इस पर्सन का जैसे मास एम मान लिया, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आई के इक्वल था, रेडियस इसकी कैपिटल आर के इक्वल है, तो इसमें हम एंगुलर मोमेंटम की कैसे बात करेंगे, तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो देखो, ये आई ओमेगा इधर की तरफ आ गया, तो एम वी आर माइनस आई इंटू ओमेगा, ठीक है, दोनों अपोजिट सेंस में है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम इतना आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो एल इनिशियल है और एल फाइनल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा एम वी आर माइनस आई इंटू ओमेगा इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हम v या ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा आ गया एम वी आर अपॉन आई, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें मैंने जो v लिया है, v मैंने लिया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कि उसकी स्पीड v के इक्वल थी। अब इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो v है, v इज विद रेस्पेक्ट टू डिस्क। यदि v हम विद रेस्पेक्ट टू डिस्क लेते हैं तो उस केस में सिचुएशन डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि डिस्क भी रोटेट हो रही है, तो विद रेस्पेक्ट टू डिस्क हमने ले लिया, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वो आप देख लो। जैसे डिस्क के रेस्पेक्ट में जैसे एक्सिस इसके अबाउट घूमना है, अच्छा, अब ये ओमेगा से इधर की तरफ घूम रहा है, ऐसे ओमेगा से घूमा, और ये पार्टिकल जो पर्सन था वो इधर की तरफ जा रहा है वी से, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इसकी जो वी है ना वो डिस्क के रेस्पेक्ट में है, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि वी इज विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, देन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ओमेगा है, तो यहाँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वी माइनस आर ओमेगा, ठीक है, वी माइनस आर ओमेगा ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो इसमें हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, जीरो इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दो जीरो रखना है, सो जीरो इक्वल टू एम वी माइनस आर ओमेगा इंटू आर, ठीक है, माइनस आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमको ओमेगा फाइंड होगा, तो दो पार्ट हो गए। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में क्या लिया था हमने, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया था वी, ठीक है, और यहाँ सेकंड केस में हमने लिया है विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, जो वी हम वेलोसिटी ले रहे हैं ना पर्सन की, वो हमने विद रेस्पेक्ट टू एक बार ग्राउंड एक बार डिस्क के रेस्पेक्ट में हमने कंसिडर किया, ठीक है। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है, यदि ये पर्सन वी वेलोसिटी से मूव करता है, पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी टूवर्ड्स द सेंटर, एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसे जाता है, तब ओमेगा पर क्या चेंज आएगा, डिस्क में, डिस्क पर ये पर्सन यहाँ था, ये पर्सन आगे की तरफ जा रहा है, तो इस केस में जो ओमेगा है उसमें क्या चेंज आएगा। तो इसमें सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पर क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है, तो इसमें सेंटर से पास होगी इसकी वेलोसिटी, तो इसका जो पार्टिकल का है, इसका पर्सन का जो लीनियर मोमेंटम है वो एम वी के इक्वल तो है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि ये उसी एक्सिस से पास हो रही है लाइन, तो जब पर्सन का एंगुलर मोमेंटम जीरो है, सो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम भी जीरो रहेगा। इट मीन्स यदि पर्सन रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो उस केस में डिस्क रोटेट नहीं होगी, क्लियर।
इसके बाद देखो आगे एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि एक डिस्क इधर है एक डिस्क इधर है, दोनों इसका ओमेगा वन और इसका ओमेगा टू, ठीक। अब इन दोनों का जो अलग अलग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों का जो सरफेस है वो रफ है, दोनों का सरफेस रफ है। तो इसमें जैसे ये होगा, जैसे इस तरीके से था ना, ये दोनों के ओमेगा अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों के ओमेगा अलग अलग हैं, जैसे ही हम इनको कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, क्वेश्चन क्या है कि जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो फाइनली जो कॉमन ओमेगा होगा वो क्या होगा। तो इनिशियली दोनों के ओमेगा अलग होने की वजह से दोनों में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इसलिए कंजर्व रहेगा कि जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, उस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जो लोअर डिस्क है और अपर डिस्क दोनों पर लगेगा और दोनों का सेंस अपोजिट होगा। नेट टॉर्क जो फ्रिक्शन की वजह से होगा वो जीरो होगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस विल रिमेन कंजर्व। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे इनिशियली एंगुलर मोमेंटम देखें सिस्टम का, सो एल इनिशियली इक्वल टू आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू की इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब हमको ये दोनों कॉन्टेक्ट में आ गए तो कब तक इसमें रिलेटिव मोशन होगा, जब तक कि दोनों का ओमेगा सेम नहीं हो जाता। मान लो यहाँ पर एक कॉमन ओमेगा इनका अचीव कर लिया इन्होंने, इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सो एल इनिशियल इज एल फाइनल, तो यहाँ से आ जाएगा आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा, ठीक। सो यहाँ से आ गया ओमेगा, जो कॉमन वाला ओमेगा आएगा यहाँ पर, जो ओमेगा है दैट ओमेगा इक्वल टू आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू डिवाइडेड बाई आई वन प्लस आई टू। यहाँ तक समझ में आ गया क्लियर? तो ये यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें मैं इसके जो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम का जो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, उसका मतलब क्या है वो आप देख लो। जैसे एक रॉड के इस वाले एंड की, जैसे हम एंड ए है एंड बी, इसकी वेलोसिटी मान लिया 3v के इक्वल है और इस वाले एंड की वेलोसिटी v के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 3v है वहाँ v है, इट मींस ये रोटेट भी हो रही होगी। वो किस एक्सिस के अबाउट इसको हम रोटेशन एज्यूम करें, तो जिस एक्सिस के अबाउट इसका जो प्योर रोटेशन होगा दैट एक्सिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं देखता हूँ, जैसे एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यहाँ पर है डिस्टेंस एक्स के इक्वल है, ठीक। तो इसमें जैसे ये एक्स मान लिया, ये हमारा आई ए ओ आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अबाउट ओमेगा जो होगा इस वाले पार्टिकल का ओमेगा क्या आएगा, वी अपॉन एक्स, ठीक है। इस वाले पार्टिकल का ओमेगा क्या आएगा, थ्री वी अपॉन, ये जैसे लेंथ एल के इक्वल है तो थ्री वी अपॉन एक्स प्लस एल, ठीक। तो ओमेगा हमने दोनों पॉइंट का ओमेगा उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सेम करना होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू का मतलब हो गया कि एक्सिस जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी हमको पोजीशन मालूम हो गई। इसी तरीके से मान लो मैं और एक केस लेता हूँ, जैसे मान लो इस वाले एंड की वेलोसिटी दे रखी है 2v और ये वाला एंड इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, ये वाला एंड v से इधर जा रहा है 2v से जा रहा है, तो इसमें सिंपल सा है कि जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर होता तो इधर की तरफ भी वेलोसिटी इधर की तरफ भी जो वेलोसिटी है वो सेम होती, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं मान लिया कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर मैंने इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर एज्यूम किया, ये एक्स है टोटल लेंथ एल के इक्वल थी, ये कितना आ जाएगा एल माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मान लिया, ये मैंने आई मान लेता हूँ मैं इसको, इस एक्सिस के अबाउट जो आई पॉइंट से पास हो रहा है उसके अबाउट जो एंगुलर उसके अबाउट जो ओमेगा है इसकी वजह से ओमेगा क्या आएगा वी अपॉन एक्स और यहाँ पर क्या आएगा टू वी अपॉन एल माइनस एक्स, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसकी जो पोजीशन है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लो, जैसे देखो मतलब ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर एक रॉड को हमने प्लेस किया, इसमें इस वाले एंड की वेलोसिटी मान लो वी ए है, पॉइंट ए है एंड ए, दिस इज एंड बी, इसकी वेलोसिटी वी बी, ये एंगल किसी भी इंस्टेंट पर थीटा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस रॉड के लिए जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो हम पता कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटीज हैं उनके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक। एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, ये समझ में आ गया। अब इसमें ये देखो, जैसे ये टोटल इसकी लेंथ थी एल के इक्वल, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा, यानी ये एल कॉस थीटा आ गया एंड दिस इज एल
साइन थीटा। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा आई ए ओ आर की बात हो गई, इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन हो गया। इस एक्सिस के अबाउट यदि मैं देखता हूँ तो इस वी बी की वजह से क्या होगा, यानी वी बी अपॉन एल कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या है वी इधर है, ये क्या है एल साइन थीटा। तो इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे हम, वी बी अपॉन एल कॉस थीटा इक्वल टू वी ए अपॉन एल साइन थीटा, और वी बी साइन थीटा इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन की हेल्प से। ये रिलेशन हमने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब अभी मैं यहाँ पर इस क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में टॉपलिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड रोलिंग वगैरह हम शुरू करते हैं। तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही। सो बच्चों, जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज है वो ट्राई आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार उनको ट्राई करो। ठीक है, सो ओके, गॉड ब्लेस यू।